भिलाई 3 बिजली नगर में सार्वजनिक विजयादशमी उत्सव समिति द्वारा दशहरा का पर्व हर्ष और विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया। राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां मुख्य अतिथि रहे। विजयादशमी के मौके पर शहर में जगह जगह रावण के पुतले का दहन किया गया। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कड़ी में सार्वजनिक विजयादशमी उत्सव समिति भिलाई 3 बिजली नगर के द्वारा रंगारंग आतिशबाजी के बीच रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में रावण के पुतले का दहन किया गया। मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का पावन संदेश देने वाला त्यौहार है। भारतीय त्योहारों की विशेषता का उल्लेख करते हुए बताया कि अधिकांश त्यौहार अपने साथ एक नैतिक शिक्षा भी लेकर आते हैं। दशहरा का यह पर्व सभी को संदेश देता है कि चाहे कुछ भी हो, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति की वस्तु है, इसलिए आवश्यक है कि आज की युवा पीढ़ी इसे अपने में आत्मसात करे और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे। वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सब उपस्थित होते और सब जन खुशी बांटते कावर के त्योहारे इसने ये अधर्म के ऊपर धर्म की जीत के रूप में हम सब मनाथन, अंधकार ऊपर प्रकाश की जीत के रूप में मनाथन और असत्य के ऊपर सत्य की जीत के रूप में हम सब ये पर्व मनाथन। रावण बहुत ज्ञानी ऋषि, पंडित ऋषि, विद्वान ऋषि, तीनों लोग होकर राज ऋषि, काल भी होकर वश में ऋषि, लेकिन एक दुर्गुण होकर अहंकार के ऋषि। ये रावण ओकरे प्रतीक है। हर साल बोला ओकर रावण के पुतला के दहन करता तो हमन ल सीख ही मिलते। लड़का मन ल ये पाएगला था कि विद्वान बनो लेकिन शील भी होना चाहिए, विनम्र भी होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। ये विनम्रता है, भाईचारा है, प्रेम है, सौहार्द है, ये हमारे मन के बीच में रहे ताकि परिवार के भी विकास हो, समाज के विकास हो, हम सब के बीच में खुशहाली हो। प्रकाश पर्व के रूप में हम सब मनाता तो आप सब ला जिन भगवान राम जिन अपन पिता के एक आदेश पे अयोध्या के राजमहल त्याग की जंगल जंगल भटके 14 साल के वनवास हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत समय वो बिताए। एक रीति हम राम वर्धमन पर्यटन पर्वत बनाए हैं। कौशल्या माता का एकमात्र मंदिर पूरा दुनिया में वो हमारे चंदपुरी में सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति का आयोजन सन 2000 से चालू किए थे। इसके साक्षी प्रथम प्रकाश लोहाना जी, उमेश बघेल जी और हमारे सुजीत बघेल जी के द्वारा चालू किया गया था और आज यह 22वां वर्ष संपन्न करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आए और क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त कर करके। पावन पर्व असत्य पर सत्य की जीत के अवसर पर विजयादशमी महापर्व में आप सबके गरिमामय उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी, मुख्यमंत्री के सुपुत्र सम्मानी चैतन्य बघेल जी, सम्मानी बड़े भैया कृष्णा चंद्राकर जी, सम्मानी समाज सेवी सुरेश धींगानी जी, राजेश दांडेकर जी, एल बी वर्मा जी, नजरुल जी और इरशाद भाई, सतीश धुरंधर, अरुण वर्मा, संजय वर्मा और तमाम सहयोगी साथीगण के प्रयास से आज कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। साथ ही मैं ओएसडी मनीष बंछोर जी और ओएसडी के चंद्रवंशी जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित साथी नौसाद सिद्दीकी, आप समस्त मीडिया के समस्त साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ये सफल आयोजन
के साक्षी आप लोग सब बने हैं और हमारी यही कामना है कि ऐसा आयोजन और आगामी वर्षों में होता रहे और आप सबको विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आयोजक समिति ने बताया कि इस बार शानदार आतिशबाजी के साथ रामलीला का भी आयोजन किया गया और 40 फीट का रावण का दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।